चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक सेट कराया एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट 4, जिसमें हमने आपको 1 से 39 तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम रही, लेकिन हमारा फोकस रहा समझाने पर ज़्यादा। हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप और भी कर पाएंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि हमें ये बुक फिनिश नहीं कंप्लीट करनी है। ये ध्यान रखें आप, आपका एक मोटिव होना चाहिए कि कुछ सीख के जाना है। मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन के बाद आप केवल इसी सेट को नहीं, आप किसी भी सेट को सोल्व कर सकें तो मुझे लगेगा कि मेरा मनोरथ सफल हुआ, अन्यथा मैंने जो मेहनत की आपके ऊपर ये बेकार गई है। इसलिए आप मेरे साथ चलते रहिएगा, ये मत देखिएगा कि हमने क्वेश्चन कम कराया या ज़्यादा, आप सिर्फ ये देखिएगा सीखने को कितना मिला। और दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये एक ही वीडियो में आप फिनिश कर दे करें पूरा पूरा सेट, तो देखिए ये संभव नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए कुछ संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगातार बैठ करके इस तरह से 3 घंटे पढ़ाऊँ। 3 घंटे तो लगातार बैच में नहीं पढ़ाया जाता, लगातार इस तरह से वहाँ भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहता है। बच्चे जब कॉपी करते हैं हम लोग रेस्ट कर लेते हैं बोर्ड से, तो इसी बीच रेस्ट मिल जाता है, ये भी एक रेस्ट ही है। लेकिन यहाँ रेस्ट नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ आप कॉपी नहीं कर रहे हैं। वीडियो को पॉज तक प्ले करो तो फिर वो 3 घंटे की जगह 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मेरे लिए और लेंथी हो जाएगा वर्क। तो इसलिए यहाँ 1 आवर की ही मैं वीडियो बना सकता हूँ, 1 आवर की ही। फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही लेना होगा, माफी चाहूँगा मैं आपसे। जब मुझे लगेगा कि मैं सक्षम हूँ 3 और 4 आवर्स की वीडियोज बनाने में, तब मैं बना पाऊंगा। आप लोग जो यूट्यूब पर देखते हैं 11 11 12 12 घंटे की वीडियोज, वो बड़े कमाल के बंदे हैं जो बना रहे हैं वीडियो, उनको तो सत सत नमन करूँगा सिर्फ मैं। लेकिन मेरे अंदर अभी इतना टैलेंट नहीं है कि मैं 11 12 घंटे लगातार पढ़ा सकूं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज की बात क्वेश्चन नंबर 40 से, जो कि आपका एक पैसेज कह रहा है कि अ न्यू पेपर पब्लिश्ड बाय रोचमैन एंड हर कलीग्स इन फेब्रुवरी इन द जर्नल इकोलॉजी शिफ्ट थ्रू पास रिसर्च ऑन मेरिन डेब्रिज टू एसेस द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द एनवायरमेंटल थ्रेट। प्लेंटी ऑफ स्टडी हैव साउंडेड अलार्म बेल अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर डिबेरिस। रोचमैन एंड हर कलीग सेट आउट टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ दोज परसीव्ड रिस्क आर रियल। याद रखिएगा सारी बातें ये। ऑफन रोचमैन सेज साइंटिस्ट विल रैप अप अ पेपर बाय स्पेकुलेटिंग अबाउट द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ वट दे हैव फाउंड। मे बी देयर स्टडी हैज शोन दैट सर्टेन सी बर्ड्स ईट प्लास्टिक बैग्स फॉर एग्जाम्पल एंड द पेपर गोज ऑन टू वार्म द होल बर्ड्स पॉपुलेशन आर एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट, बट द ट्रूथ वॉज दैट नोबडी हैड येट टेस्टेड दोज प्रिसीव्ड थ्रेट्स। रोचमैन सेज देयर वॉजेंट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। रोचमैन एंड हर कलीग एग्जामाइन मोर देन 100 पेपर्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मरीन डेबरिस दैट वर पब्लिश थ्रू 2013 विच विद इन ईच पेपर दे आस्क वट थ्रेट साइंटिस्ट हैड स्टडीड। 366 perceived threats in all and what they actually found. In 83% of cases, the perceived dangers of ocean threats were proved true. In most of the remaining cases, the working group found the studies too shoddy to draw conclusion from. They lacked a control group, for example, or used faulty statistics. Strikingly, Rochman said only one well-designed study failed to find the effect it was looking for, an investigation of mussels ingesting microscopic plastic bits. The plastic moved from the mussels' stomach to their bloodstreams. Scientists found and stayed there for weeks but didn't seem to stress out the surface. A lot of ancient debris is microplastic or pieces smaller than 5 millimeters. These may be beads from a facial scrubs, fiber shared by synthetic clothing in the wash, or eroded remnants of larger debris. Compared to the number of studies investigating large scale debris, Rochman's group found little research on the effect of these tiny bits. There are also sea adds a lot of open questions about the ways that ocean debris can lead to
सी क्रिएचर डेथ मैनी स्टडीज हैव लुक टू लुक एट हाउ प्लास्टिक अफेक्ट एन इंडिविजुअल एनिमल्स और दैट एनिमल्स इट इज यूज सेल रेदर देन होल पॉपुलेशन एंड इन द लैब साइंटिस्ट ऑफन यूज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक दैन वर्ड्स रियली इन द ओशन नन ऑफ दैट टेल्स अस हाउ प्लास्टिक दैन वर्ड्स रियली इन द ओशन हाउ मैनी बर्ड्स और फिश सी टर्टल कुड डाई फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन और हाउ डेथ इन वन स्पीसीज कुड अफेक्ट दैट एनिमल्स प्रीडेटर और द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम वी नीड टू बी आस्किंग मोर इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन रोचमैन सेज यूजुअली साइंटिस्ट डोंट नो हाउ डिजास्टर लाइक ऑयल स्पिल्स और न्यूक्लियर मेल्टडाउन विल अफेक्ट द एनवायरमेंट अंटिल आफ्टर दे हैव हैपन सी सेज वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन अर्ली इनफ बट इफ इकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड हाउ द स्लो मूविंग डिजास्टर ऑफ ओशियन गार्बेज इज अफेक्टिंग इकोसिस्टम दे माइट बी एबल टू प्रिवेंट थिंग फ्रॉम गेटिंग वर्स। ये है आपका पैराग्राफ, किस तरह से बर्ड्स वगैरह को फिशेस वगैरह को पोल्यूशन से दिक्कत हो रही है, हम लोग जो प्लास्टिक कहीं भी गिर देते हैं उससे या और भी कुछ सिस्टम जो हमने बिगाड़ रखा है। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कुछ सुधर चुकी है स्थिति, कम से कम प्रकृति की तो सुधर ही चुकी है, व्यक्ति की सुधरे या ना सुधरे फिलहाल, लेकिन प्रकृति की स्थिति बहुत हद तक सुधर चुकी है, उसी की हद में मैं बात कर रहा था। यस, तो फिलहाल चलते हैं कि क्वेश्चंस पे। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो, आपको ऑप्शन ढूंढने हैं कौन से हैं करेक्ट जो इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड इकोलॉजिकल डिजास्टर स्पेशली विद रेफरेंस टू मैरीन डिबरीज इज दैट इकोलॉजिकल डिजास्टर आर नॉट नेचुरल एंड मैन मेड, द लेटर कैन बी प्रेडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड। यस, 40 का बी आंसर हो जाना चाहिए, जिसका जिक्र यहाँ पैराग्राफ में भी हुआ है, लास्ट पैसेज में इसका जिक्र हुआ है। लास्ट लाइन देखिए मेरे साथ, पहले कि दे माइट बी एबल टू प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि द लेटर कैन बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड, बी इसका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ डेवलप्ड इन द पैसेज, इसकी सेंट्रल थीम इसमें डेवलप हो रही है। रिसर्चर्स हैज टू ओनली इंक्लूड स्टडीज ऑन द अफेक्ट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स ऑन इकोलॉजी, फ्यूचर इकोलॉजिस्ट रिसर्च ऑन मैरीन डेबरीज मस्ट अंडरस्टैंड द नेचुरल नेचर ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड प्रिवेंट इट। यस, लास्ट पैराग्राफ में इसका जिक्र हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर को हमें फाइंड करना होगा, उसको प्रिवेंट बचाना होगा हमें इसको, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी ही। 42, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द प्रॉब्लम विद पेपर्स रिपोर्टिंग सी बर्ड्स ईटिंग प्लास्टिक्स, क्या प्रॉब्लम है। दी साइंटिस्ट डू नॉट आस्क इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट यूज कॉन्सेंट्रेटेड प्लास्टिक टू जनरेट डेटा, वी एग्री विद प्रिसेप्शंस ऑफ द साइंटिस्ट बट नॉट देयर मेथड्स, जनरलाइजेशन अबाउट होल पॉपुलेशन गेटिंग अफेक्टेड लैक पेरिफेरल डेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 43, द परसीव्ड डेंजर्स ऑफ ओशियन थ्रेस फॉर मैरीन लाइफ आर इन अ मेजोरिटी ऑफ केसेस, 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अगर हम लोग चलें सेकंड पैराग्राफ पे, इसके सेकंड नहीं पहले पैराग्राफ में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में देखें, रोचमैन एंड कलीग सेट आउट डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ दोस परसीव्ड रिस्क आर रियल, रियल यानी कि वैलिड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। Which one of the following conclusion basis based on the examination of the 100 odd paper of the marine debris and its ecological impact by Rochman and her colleagues is not correct, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है। Issue with the focus scope and finding of previous research inform future studies, more than 50% of past ecological studies fail to preserve the threads passed by the marine debris, यहाँ 50% को fail बता रहा है, और अगर आप second paragraph देखें तो कह रहा है 83% जो है true हैं, अगर 83% ट्रू है तो 50% फेल नहीं हो सकते, फिर 17% रह जाता है, इसका मतलब बी पोर्शन इसका रॉन्ग है सेंटेंस का। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकली क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 45 को देखते हैं फटाफट से, फिर 46 और फिर उसके बाद एक और पैसेज है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। यहाँ मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। कह रहा है कि ल्यूपिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अपोजिशन एंड कैन नेवर होप टू बिकम मिनिस्टर, देखिए यहाँ इस्तेमाल किया उसने वन ऑफ का, मैंने आपको पहले भी कहना बताया है अगर सेंटेंस में कभी भी ऑफ आ जाए
तो उसके बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल क्या करते हैं, अगर सेंटेंस प्लूरल बन सके तो नाउन को जब तक प्लूरल बनाया जा सकता है आप तब तक उसके साथ प्लूरल नाउन का ही यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे इस नाउन के साथ में इस्तेमाल होना चाहिए था प्लूरल नाउन का ऑफ के साथ में। तो यानी कि ल्यूपिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह आपको इस्तेमाल करना चाहिए था यहाँ पे पर्सन, यानी कि इसका डी पोर्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है 46 सेंटेंस में कह रहा है कि मारिया कंप्लेंट दैट दो देर वर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे वर ऑल एक्सपेंसिव। यहाँ दो बार वर आया आपका सेंटेंस में, आपको दोनों को बनाना होगा आर, क्योंकि आप बना रहे हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे तो ये जब इससे बना रहे हैं तो ये करना होगा। पहले तो ऑप्शन देखिए, दे द मैनी शॉपिंग सेंटर्स दैट आर देर इन दुबई दे आर ऑल एक्सपेंसिव, यहाँ दोनों में आर हुआ है। सेकंड बाहर और सी बाहर, यानी कि बी और सी आपके हुए रेस से बाहर, क्योंकि दोनों में वो नहीं है जो हमें चाहिए। फिर डी देखिए, डी में भी आर आर है दोनों। फिर उसके बाद में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, डी मारिया सेड दो देर आर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे और आर एक्सपेंसिव, और अगर मैं ए देखूँ तो ए में सेंटेंस का उसने फॉर्मेशन ही चेंज कर दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपन डी, क्योंकि आपको फॉर्मेशन वही रखना है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं करते हैं, आप सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं लेकिन आप उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका फिर से एक पैसेज, इस पैसेज को आप खुद से करेंगे क्योंकि लगातार इतने पैसेज कराना मेरे लिए संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है, एज ए टोटल से लेकर के ओरिजिनल तक दो पैराग्राफ आ जाएंगे, फिर रिचर्ड से लेकर के लास्ट तक ले लीजिएगा और उसके बाद में ये क्वेश्चन तक ले लीजिएगा 47 48। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, फिर यहाँ 48 के ऑप्शन है, 49 तक, 50 से स्टार्ट है 51 तक, और मैं फिर से चल रहा हूँ अपने क्वेश्चन 52 पर, यस, जो मुझे सोल्व कराना है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि नैपिंग, नैप मतलब बोलते हैं झपकी लेने को, जब आप हल्की सी दिन में नींद लें उसे बोलते हैं नैप। इसके लिए इस्तेमाल भी होता है एडियम कई बार, टेक अ नैप, टेक अ नैप, दिन में हल्की सी झपकी लेना। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है नोड, नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, यानी कि नाड़ हिला कर को जवाब देना, गर्दन हिलाना नोड। इसके लिए भी बड़ा प्यारा एडियम्स बनता है नोडिंग एक्वाइटेंस, नोडिंग एक्वाइटेंस, ए सी क्यू यू आई ए एन टी सी, यानी कि सहमति देना, क्या देना, सहमति देना। तो फिलहाल हमें बताना है यहाँ पे सेंटेंस में क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या फिल करें अच्छा जो सेंटेंस का मीनिंग निकल जाए। नोडिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवन्स डैश एज अ बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज कैन, कह रहे हैं कि झपकी भी उतना ही इम्प्रूव कर सकती है किसी की डैश को जितना बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज कर सकती है किसी की नॉलेज को, झपकी लेने से नॉलेज बढ़ती है। अरे नहीं भाई, फिर तो आप अभी सो जाएंगे पढ़ के सभी जने, मुझे कन्फर्म है पक्का। आप कहेंगे भाई वर्न करो वीडियो सर की और झपकी लोड़े एक फटाफट से 10 मिनट की, मेरी एक घंटे वीडियो में आप कम से कम 6 बार झपकी लेंगे। फेमिलियरिटी, एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा का एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता की तरह से कह सकते हैं, तो ये भी आपकी क्षमता बढ़ाती है। बिल्कुल सच्ची बात है, अगर 5 या 10 मिनट की झपकी दिन में आप ले लें, या फिर मैं तो कहूँगा कि मेरा जो तरीका था पढ़ने का अपना, मैं बताऊँ तरीका, हालांकि सबके अपने अपने मेथड होते हैं तो ज़रूरी कि आप मेरा मेथड फॉलो करें, लेकिन मैं जब कभी पढ़ता था या अभी पढ़ता हूँ तो मैं एक घंटे पढ़ने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर लेता हूँ, और संडे में कम से कम 2-3 घंटे का लगातार रेस्ट लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं संडे को फ्री मान लेता हूँ अपना। देखिए अक्सर वो लोग जरूर विफल होते हैं जो संडे को सोचते हैं कि छुट्टी डे है। देखिए अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको उस दिन भी काम करना होगा जिस दिन सब जने आराम कर रहे हैं, और वो है आपके पास संडे। अगर आपने ये काम कर लिया, हालांकि आप फिलहाल आगे उनसे निकल ही जाएंगे बिकॉज अभी भी काफ़ी लोग आराम कर रहे हैं और आप वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से और लोगों से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को सफल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी कल ही SSC स्टेनोग्राफर का एक हल्का सा नोटिफिकेशन मैंने देखा, अभी कन्फर्म कर दूंगा कि शायद इसका एग्ज़ाम जून में हो सकता है, अभी मैं कन्फर्म करूँगा आपको देख करके। लेकिन अगर जून में एग्ज़ाम हो जाता है तो समझ लीजिए जून स्टार्ट है कल से, यस। सो आपके पास कितने दिन है आपको पता ही होगा, इसीलिए तो गेट रेडी भाई, तैयार हो जाइए, आपको तैयारी करनी है।
नेक्स्ट सेंटेंस से करें कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के सभी रूल्स को जानना बड़ा मुश्किल है। इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, दोनों ही चीज़ें चाहिए, टाइम भी और पेशेंस भी। बिल्कुल सही बात है भैया, टाइम और पेशेंस दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट दैट क्लेम टू री टीच अ लैंग्वेज इन 60 डेज और ऑल आइज लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ सेल्फ इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये बात सत्य है, किसी भी लैंग्वेज को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये भी एक लैंग्वेज ही है, इसका अंत नहीं है। जैसे आपको हिंदी प्रॉपर तरह से नहीं आती है, उस तरह से अंग्रेजी तो आपको भी सीख नहीं पाएंगे, बिकॉज ये हमारी मातृभाषा नहीं है। बस कुछ रूल्स हैं, अच्छा रूल्स भी बनाए हैं हमने, क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनको रूल्स की जरूरत पड़ती है, जो बोलते हैं उन्हें नहीं जरूरत पड़ती है। हम लोग हिंदी बोलते हुए कितने रूल्स अप्लाई करते हैं आपको पता ही होगा। दूसरी बात, कहीं कुछ घंटे बोर्ड लगाते हैं मात्र 90 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखी, हमने भी लगाया हुआ है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बिकॉज सब लगाते हैं तो हमें भी लगाना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी बोलना 90 घंटा का काम नहीं है, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस से पैदा होता है। यहाँ भी यही बात कह रहा है इसमें सेंटेंस में भी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस। एडवर्टीजमेंट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, ए के बाद आना चाहिए आपका डी, कन्फर्म है। अब इसके बाद क्या आएगा ये देखते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, यस, ए के बाद डी के बाद बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट फिलहाल। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, कह रहा है कि वी नीड अ कार्डिगन, आर यू एबल टू नीट इट, हमें कार्डिगन की जरूरत है, क्या आप एबल इसको सिलने के, कैन यू नीट वन, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सिल सकते हैं, क्षमता की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, हमें कार्डिंग की जरूरत है, क्या आप सिल सकते हैं, क्या आप दे सकते हैं, कैन यू नीट वन। इस तरह से 55 से 59 तक फिर से आपका एक पैसेज, वेयर इज दिस गोइंग, दैट इज द क्वेश्चन एट द हार्ट ऑफ रिवर ऑफ लाइफ रिवर ऑफ डेथ एंड ऑथर विक्टर स्मॉलेट ट्रेवल्स, द लेंथ ऑफ द गंगा बिगिनिंग एट इट्स आइस केव सोर्स इन द हिमालयन फुटहिल्स, ही फॉलोज द वाटर थ्रू द होली कॉन्फ्लुएंस एट अलाहाबाद, द स्पिंडली बैंक ऑफ वाराणसी सिटी एंड ऑनवर्ड्स टू द डेल्टा इन बांग्लादेश, वेयर इन इट्स पार्टिंग गिफ्ट टू द लैंड द रिवर स्प्यूज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फर्टाइल सिल्ट ऑन टू द राइस फील्ड ऑफ बंगाल एंड द मैनग्रोव्स ऑफ द सुंदरबींस। इट इज द सेम क्वेश्चन ही आस्क अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द गंगाज बोथ गुड एंड बैड, द रिवर लीड्स अ डबल लाइफ being the most worshipped waterway in the world and also one of the most polluted, the Gangas and its tributaries are now subject to sewage pollution that is half a million times over the Indian recommended limit for bathing in places, not to mention the unchecked runoff from heavy metals, fertilizers, carcinogens and the occasional cops. As Mellet observed, the danger of contamination does not put off the millions of revelers at Kumbh Mela. It is Hindu pilgrimage, though to be the largest gathering of people anywhere, described to him as a spiritual expo. अरे कहाँ चला गया मैं, रह गया भाई। Where you will be talking one moment to a visiting Mumbai businessman and next to a Marujuna stone yogi, he suggests the pollution might never deter them. He is told by one brother, we do believe that anyone who takes in this water, he becomes pure. Also, because it is always pure, there is a collective sense that the spirit of the Gangas is so sacred that she can never be spoiled. He informed the readers in the preface, almost everyone knows the problems are real. His journey down the Ganga is one of the investigation rather than discovery. Mallet investigates the potential of the river to become a cradle for antibiotic resistance infections or superbugs that could be exported to other regions by global travel. He points out that some 450 million people depend on the Ganga water basin for survival, and many more for its religious and cultural importance. The Ganga is a goddess and a mother of everyone. From the Ganges is a goddess and a mother of everyone, from the politician in the north to the humblest Hindu living
इन द फार साउथ और रनिंग मॉडल इन द यूनाइटेड स्टेट. देयर इज अ होप मेरिट ड्रॉज सम पैरेलल टू क्लीन अप्स ऑफ द राइन एंड द थेम्स. ही पॉइंट्स आउट द डिजाइन फीट ऑफ कुंभ मेला विच इज अ पॉपअप मेगा सिटी फॉर 2 million पिलग्रिमेज, हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट देन मैनी इंडियन सिटीज. इन द माइंड्स ऑफ द बोथ इंडियंस एंड फॉरनर्स दिस राइजेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ द अथॉरिटीज कैन बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सो एफिशिएंटली फॉर दिस शॉर्ट बट वेरी लार्ज फेस्टिवल्स, वाई कैन दे नॉट डू द सेम फॉर परमानेंट विलेज एंड टाउन्स. क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें है उसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है. Which one of the options fill in the blanks and complete the statement below correctly? The Ganga is the mother to the devout Hindu. However, it is to the non-Hindu Indian. Dash and dash. Non-Hindu Indian के लिए ये क्या है? एक spectacles है और locus for the Kumbh Mela. Non-Indians का Kumbh Mela से कोई लेना नहीं है. Source of water और garbage bin. जी नहीं, ये भी कहना गलत होगा. An interesting tourist spot or zone of adventure sports. A cultural icon or provider of life. Yes, 55 का हो जाएगा आपका D answer. Correct. Which one of the statement below is false? Victor Mallet asks the questions where is it is going of the river Ganges, which has a metaphysical relevance to a clean river. Ganges is a feasible as a clean river Thames or river Nile. The Ganges carries superbugs and it is a problem all Indians are aware of. जी, इसका जिक्र ऊपर हुआ है अभी यहाँ पे पैराग्राफ में, मैंने पढ़ा था इसको. Yes. आप ढंग से देखिएगा, इसका जिक्र हुआ था सुपर बक्स का. ये है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, देखिए यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ सॉरी. ही इन्फॉर्म्स वाला इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 5th लाइन देखिए. सुपर बक्स दैट कुड बी एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन बाय ग्लोबल ट्रैवल, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका सी 56 का. चलते हैं 57 पे. विच वन ऑफ द अपोजिशन ऑप्शंस फेथफुली सम अप द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज. द गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदू. यहाँ पे आप केवल अगर हिंदू के ऊपर ले जाएंगे गंगा को तो ये कहना गलत हो जाएगा, इसलिए 57 का फिलहाल एक आंसर कहना गलत हो जाएगा. चलते हैं 57 के और ऑप्शंस पे. द रिवर गंगा इज अ रिवर दैट गिव्स लाइफ एंड होप टू ऑल, बट इट्स पिटी दैट इट्स अब्यूजर्स आर नॉट अवेयर दैट दे आर पुशिंग इट टू इट्स एक्सटिंक्शन. द गंगा इज मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी वेनरेटेड एज अ मदर. इट टॉयलेट्स एज अ मदर ऑल पोल्यूशन थ्रोस इनटू इट. एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द रिवर गंगा लाइफ गिविंग एंड डेथ थ्रेटनिंग. यस, अभी इसका ऊपर जिक्र हुआ है कि ये गुड है या बैड है, ये दोनों ही है, गुड भी और बैड भी. इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी. विच वन ऑफ द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक दैट कम्प्लीट द स्टेटमेंट बिलो करेक्टली. द एवरेज बिलीवर इज ऑफ द फेथ ड्राइवन कन्विक्शन दैट द रिवर गंगा शैल नेवर बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मे नेवर डाई ड्यू टू पोल्यूशन, विल नेवर अफेक्ट द बिलीवर, कैन नेवर बी स्पॉइल्ड, कैन नेवर बी स्पॉइल्ड. इसका जिक्र हमारे सेंटेंस के लास्ट पार्ट में हुआ था इसका. यस, मैंने इसको देखा, ये रहा आपका, ये आपका थर्ड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में देखें. एज मालेट ऑब्जर्व वाला दैट शी कैन नेवर बी स्पॉइल्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी. 59 देखें. विच वन ऑफ द ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बिलो करेक्टली. द रिवर गंगा इज द मोस्ट वर्शिप्ड वाटरवे इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड. दिस बिलिंग्स टू लाइट इन रियलिटी, यानी कि वर्शिप भी हो रही है और पोल्यूटेड भी है. इससे क्या मतलब समझ रहे हैं? ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब विरोधाभास आ रहा है इससे निकल के बाहर. यानी कि 59 हो जाएगा आपका ए आंसर जो कि करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं 60 पे. 60 आपका फिर से है वोकैबुलरी बेस्ड. सिंपल सा वर्ड है नॉलेज. नॉलेज का मतलब आपको पता ही है ज्ञान. यस, समझ. आपको बताना है इसका अपोजिट. अपोजिट में नहीं बताना है तो अपोजिट वे में देखेंगे इसको आप ध्यान से. कह रहा है कि इग्नोरेंस बिल्कुल, गुडनेस जी नहीं, इसेंट्रिकसिटी जी नहीं, इलिट्रेसी जी नहीं. इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. आपको बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा. चलिए, मर्सी आस्क हर हस्बैंड व्हाई हैव यू बीन अवॉइडिंग मी सिंस यस्टरडे. सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे उसने लगाया आपके साथ में हैव. आपको हैव को करना होगा हैड, कितनों में वो देखेगा, फिर यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, फिर उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे. मैरी आस्क हर हस्बैंड वाई, सेंटेंस जुड़ेगा वाई से ही. मैरी वांटेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि कम से कम पहले वाला बाहर निकालिए. मैरी क्वेश्चन हर हस्बैंड
मैरी वॉन्टेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड एज टू वाई ही हैड बीन. देखिए फर्स्ट बार हुआ, सेकेंड बार हुआ हैज की वजह से, थर्ड में हैड बीन है शामिल हुआ, फोर्थ में भी हैड बीन है लेकिन यस्टरडे की वजह से बाहर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ एन इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. अगर आपको लग रहा है कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश में नहीं है तो आप ढूंढिए, कह दीजिए उसको नो इम्प्रूवमेंट. क्या कह दीजिए उसको आप? नो इम्प्रूवमेंट. चलते हैं सेंटेंस पे और देखते हैं क्या कह रहा है. कह रहा है कि आफ्टर एन माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक. सजेस्टेड के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, याद रखें आप. सजेस्टेड मी, सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद टू, और फिर आप जो मर्जी लगाना चाहें, जो मर्जी से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म मतलब जीरंड. माई अंकल सजेस्टेड मी टू पे ले करके, माई अंकल सजेस्टेड मी टू वॉचिंग मूवी, या फिर माई अंकल सजेस्टेड मी वॉचिंग मूवी, आप ऐसे ही बना सकते हैं. तो सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था यहाँ पर सेंटेंस में. माई अंकल सजेस्टेड मी गेटिंग अ जॉब, टू गेट अ जॉब 62. यहाँ पे इसका आंसर सी ज़्यादा बेटर रहेगा. माई अंकल सजेस्टेड मी टू गेट अ जॉब. हालांकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं बिकॉज दोनों ही ऑप्शन तरीके सही हैं, तो आप जो मर्जी लगाएं, लेकिन फिलहाल सी इसका ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा. अब ये है आपका सेंटेंस, बड़ा प्यारा लगा मुझे सेंटेंस. मैंने एक्टिव पैसिव जो पढ़ाया आपको, ये अब तक मैं एक्टिव पैसिव जो पढ़ाता था बच्चों को, क्योंकि मेरा एक्टिव पैसिव का आप डे वन देखिएगा, जरा आपको पता चलेगा हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं. पीपी और एपी हमने पढ़ाया इसके अंदर. पीपी एपी यानी के प्रपोजिशनल फ्रेज और एपी मतलब एडजेक्टिव फ्रेज. एपी मतलब एडजेक्टिव फ्रेज. अब तो आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, मेरा एक्टिव पैसिव का पार्ट वन, कम से कम डे वन देख लीजिएगा. ये दो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ और इसका जिक्र आप तक किसी सेंटेंस में नहीं हुआ था, लेकिन आज इस सेंटेंस को देखकर दिल खुश हुआ. इस सेंटेंस को सिर्फ वही कर पाएगा जिसने हमारा ये पीपीएपी पढ़ा है, वरना ये सेंटेंस का पैसिव बना नहीं सकता, एक से लाख तक नहीं बना सकता. देखिए पीपी और एपी क्या है. पीपी यानी कि मैं अक्सर बताता हूँ, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं एक्टिव पैसिव में पीपी, और हु, होम, विच, व्हाट, दैट, सॉरी हुज, इसके बाद वाले पार्ट को बोल देते हैं हम लोग एपी यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज. क्या बोल रहे हैं इसको? एडजेक्टिव फ्रेज. और एक्टिव में ये जिसके बाद होगा, पैसिव में भी ये उसी के बाद रहेगा. एक्टिव में सेंटेंस में आपको मेन चीज ढूंढनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में यही हुआ, इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स. हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशियंट यूजर्स, हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशियंट यूजर्स, ये आपका एपी है. ऑफ एडवांस्ड एआई, ये भी आपका, ये आपका पीपी है. खत्म. तो बस आपका सिर्फ इनोवेटर्स, ध्यान देखेगा इनोवेटर्स. अगर यहाँ समझ में आए तो वीडियो देखेगा जाकर. इनोवेटर्स शुड अवॉइड सिनेरियोस, ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका सिनेरियो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. सिनेरियो जो भी आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट हुआ आपका. यस, हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट. तो ये सिनेरियो हो जाएगा आपका शुरू में. सिनेरियो सभी में है शुरू में. एक कमाल की बात देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल सेंटेंस से नहीं बनेगा बच्चों का सेंटेंस, वो चेक भी नहीं कर पाएंगे इसको. फिर याद रखिए कि सिनेरियो के बाद में आया वेयर अ मशीन टेक्स ओवर, ये आपका कहलाएगा एपी. तो एक्टिव में जो एपी जिसके बाद आया, पैसिव में भी वो एपी उसी के बाद रहेगा. सिनेरियो वेयर अ मशीन टेक्स ओवर, सिनेरियो वेयर अ मशीन टेक्स ओवर, सिनेरियो वेयर अ मशीन इज टेकन, बी बाहर. सिनेरियो वेयर अ मशीन इज टेकन, सी बाहर. सिनेरियो वेयर टेकन, डी बी बाहर. इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आपका ए. 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए. अगर आपको इसे खूब अच्छे समझना है तो आप हमारा एक्टिव पैसिव का लेक्चर जरूर देखिएगा, और आपको तब भी समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं अपने नोट्स से आपको एक्टिव पैसिव एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन इसको आपको मजबूत करना ही होगा, करना ही होगा. आप सोचिए अगर ये ही इसी तरह के, ये तो चलो हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस आया, अगर 10 के 10 सेंटेंस इसी तरह के आ गए तो आप सोच रहे हैं. देखिए फिलहाल आपको पता है कि देश की स्थिति क्या चल रही है, जॉब्स देने की स्थिति क्या होगी ये भी आपको पता ही है. काम धंधे सब बंद पड़े हैं तो गवर्नमेंट भी लॉस में जा रही है. पेपर को हार्ड बनाया जा सकता है जिससे कि कम से कम बच्चे पास आउट हों. यस,
और जवाब देने आसान हो जाए लोगों को। तो अगर ये 10 के 10 घंटे इस तरह का आ गया तो समझो आपके पूरे साल की मेहनत, मेरी वीडियो का मेहनत सब बेकार चलेगी। मैं इसलिए बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप एक फौज वाली ट्रेनिंग कीजिए, फौजी वाली, यानी कि हर तरह के हालात की आपको आदत पड़ी होनी चाहिए। आपको पानी पी के भी जिंदा रहना है, बर्फ़ खा के भी जिंदा रहना है, यानी कि आप बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहिए। इसलिए मैं रूल पढ़ाता हूँ आपको। मुझे पता है कि रूल नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन अगर जिस दिन आ गए ना एग्जाम में, उस दिन बैंड बजा देंगे बच्चों की, फिर उस टाइम पर आपके पास बहाना नहीं होगा। आप घर वालों को क्या बहाना देंगे कि सर हमें कोचिंग अच्छा नहीं मिला था, लॉकडाउन लग गया था इसलिए नहीं पढ़ पाया, ये वो सरों सर ने बेवकूफ़ बनाया। अरे भाई ऐसा नहीं होगा भाई। आप एक्टिव पैसिव का लेक्चर देखिए, नहीं समझ में आए तो मुझे फिर बताइए, मैं एक लेक्चर और बना दूंगा आज ही, आज में कोई दिक्कत नहीं। आज संडे, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ, आप देखिए आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा उससे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 62, स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स डैश ह्यूमन क्वालिटीज फॉर एस्ट्रोनॉट्स ग्रेट ब्रेवरी बट फॉर एवरीवन इंजीन्यूटी इमेजिनेशन डिसिप्लिन एंड इवन अ शॉर्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म। यहाँ पे वर्ड है आपका वोकैबुलरी बेस्ड, स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स, पहला वर्ड है आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी, असाधारण, वेयर्ड विचित्र, नॉर्मल कॉमन, ये दोनों सेम वर्ड हैं, इसलिए यहाँ सबसे पहले आप इनको ही रिश्ते बाहर निकालिए। आप बचते हैं दो, एक्स्ट्रॉर्डनरी और वेयर्ड। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन क्वालिटीज, जी ऐसी क्वालिटी जो किसी भी व्यक्ति के अंदर ना हो, ऐसी क्वालिटी वो ढूंढ रहे हैं स्पेस वाले। तो फिलहाल ये हुआ आपका रिश्ते बाहर, सॉरी ए आंसर हो गया इसका। आई एग्री टू मीट हिम एट द सिस्टेरिया एट 9 AM। आई एग्री टू मीट हिम 65, यानी कि इस सेंटेंस में यहाँ मुझे कोई भी एरर नज़र नहीं आ रही है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं है, ये सेंटेंस हो जाएगा आपको नो इम्प्रूवमेंट। 66, आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। 66 में रेदर के बाद उसने लगाया एक्सपेंसिव, जो कि ठीक है, क्योंकि रेदर एक एडवर्ब की तरह काम करता है जिसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, तो ये पोर्शन आपका फिलहाल ठीक है। टू बाय एक्सपेंसिव, टू बाय, यहाँ पे टू बाय का मतलब एक तरह समझ लीजिएगा कि मुश्किल से खरीद पाए कोई व्यक्ति, हार्डली का मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ मुझे फिर से सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है, ये सेंटेंस से आपको नो इम्प्रूवमेंट। साइंटिस्ट हैव पेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट चेंजेस इन ओशियन हीट वॉज डैश फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर्कुलर, साइनिकल, क्रिटिकल, साइक्रिकल, पहला है आपका सर्कुलर, उससे अगला वर्ड आपका साइनिकल, सफलता के प्रति संदेह से भरा हुआ, उससे अगला है क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, और साइक्लिकल, साइक्लिकल मतलब साइकिल से ही बनाया, यानी कि चक्रण, घुमावदार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 67 का, पहला कह रहा हूँ सॉरी सी 67 का, क्रिटिकल। नीचे यहाँ आपके आपके फिर से पी क्यू आर एस, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पी क्यू आर एस क्या करके उन्होंने इसको ए बी सी डी कहा है, जरा ढंग से देखिएगा साथ है मेरे। माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्स्ट मेट्रो राइड बट ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लिसन टू एनी एडवाइस, ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट इट फ्रॉम हिज फ्रेंड इन दिल्ली, दे ऑल टोल्ड हिम नॉट टू ट्रेवल द फर्स्ट टाइम। 68 सेंटेंस। ए के बाद यहाँ जो फिफ्थ सेंटेंस बैठ रहा है वो रहेगा आपका सी, ध्यान रखिएगा, ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट इट फ्रॉम हिज फ्रेंड इन दिल्ली, उसने बहुत कुछ सुना है अपने फ्रेंड से इसके बारे में जो दिल्ली में रहते हैं। और फिर उसके बाद आपका आएगा डी कन्फर्म, यानी कि सी के बाद डी का आना अनिवार्य है और ए का पहला हिस्सा है ही, तो बस आपका सिर्फ बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका आर से, यानी कि इज एम आर से स्टार्ट हुआ है, तो इज एम आर ही रहेगा, ये ध्यान रखें, ये कहीं नहीं जाने वाले। साथ में आपको दी उसने आई एन जी, आपको ढूंढना होगा इनके साथ में बींग, क्या ढूंढना होगा
बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो इज दूसरी बात सर्चिंग के बाद है अ न्यू मास्टर, तो अ न्यू मास्टर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अ न्यू मास्टर के हिसाब से यहाँ आपको लगाना होगा इज, जो कि फर्स्ट में है और डी में है, यानी कि बी और सी रेस्ते हुए आपके बाहर। इज अ न्यू मास्टर सर्चिंग, सर्चिंग की वजह से ए भी बाहर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे क्या आपको अच्छे टीचर मिले थे। सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, व्हेन के बाद देखें आप तो आपको दिख रहा है वर, तो आप सेंटेंस को पास्ट में बनाए ना, यहाँ पे अच्छा हुआ। देखिए पास्ट में जो दिया वो तो है नहीं, ए भी पास्ट में नहीं है, सी भी पास्ट में नहीं है, सिर्फ बी ही पास्ट में है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा बस। चलते हैं 71 पे। 71 में कह रहा है कि आपको बनाना है इसका एंटोनियम। पहला वर्ड है डिस्पेरेट, डिस्पेरेट का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, कलेक्टेड, इनडिफरेंट, सिमिलर और काम, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सिमिलर। नेक्स्ट है आपका 72 यानी कि एक ईडियम है, इस ईडियम का क्या मतलब है पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद में चलते हैं आंसर पे। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी बात को संदेह की नज़र से देखना, नॉट ईट समथिंग अंटिल यू एड सॉल्ट टू इट, कंप्लीटली डिसबिलीविंग एनीथिंग दैट यू आर टोल्ड, इमीडिएटली एक्सेप्ट समथिंग दैट इज नॉट हर्टेड, नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी किसका आंसर हो जाएगा पर डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम, हमें बहुत सारे काम करने हैं लेकिन हमारे पास समय है बहुत कम, ये आपका सेंटेंस नंबर 73। अब जरा गौर कीजिए सेंटेंस पे, वी हैव सो मैनी टू डू, क्या सो मैनी, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ है, मैनी आप लगाते हैं किसी काउंटेबल के लिए, जबकि यहाँ कोई काउंटेबल जिक्र नहीं हुआ है, तो आप अच्छा होगा कि आप लगाए सो मच, क्या लगाए यहाँ पे आप सो मच, वी हैव सो मच टू डू एंड सो लिटिल टाइम, क्योंकि आगे भी लिटिल आया है जो कि अनकाउंटेबल है, तो आप अच्छा होगा यहाँ पे मच लगाएं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 74 है आपका वोकैबुलरी बेस, चलो देखिए कह रहा है कि कंप्रीहेंशन, इसका मतलब होता है विस्तृत, आपको बताना है एंटोनियम्स, यानी कि आपको उसको करना होगा इसका अपोजिट मनी, तो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड संक्षिप्त, बाकी प्लीजेंट एंजॉयबल एनक्लोज तो होने से रहा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, देखिए बार्क के दो मतलब होते हैं, बार्क मन होता है भौंकना भी और बार्क मन होता है पेड़ की खाल उतारना, सॉरी छाल उतारना भी। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ की छाल उतार लेना, गलत पेड़ की छाल उतार लेना ऐसे, यानी कि गलत दिशा में प्रयत्न करना, गलत दिशा में प्रयत्न करना, तो यानी कि चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 76 से स्टार्ट क्लोज टेस्ट, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, इसको कराऊंगा मैं आपको इवनिंग वाले लेक्चर में, फिलहाल आप लेते हैं विदा। वीडियो को देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, वॉइस क्वालिटी और स्पीड सब कुछ, बाकी लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, फिलहाल चलते हैं, हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।